बखबर जराए के मुताबिक हाफिज नईमुर रहमान ने केएलएफटी के खिलाफ अवामी रेफरेंडम का ऐलान कर दिया। 23, 24, 25 सितंबर को कराची में रेफरेंडम करवाया जाएगा। रेफरेंडम में नाजायज टैक्सेस, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और केएलएफटी की कारकर्दगी के हवाले से अवामी राय ली जाएगी। अगर अवाम ने रेफरेंडम में बिल अदा ना करने का फैसला दिया तो इस हवाले से भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। अदालतों में पहले से दायर दरख्वास्तों में फ्यूल एडजस्टमेंट और केएमसी टैक्सेस के नाम पर लूट मार के खिलाफ दरख्वास्त भी शामिल करवाई जाएगी। सिंध हुकूमत और केएलएफटी अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना बहुत भयानक नतीजे सामने आएंगे। और मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सन इंटरनेशनल .tv।